इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से। आपको बता दें कि शशिकला अपने घर से निकल गई है, ये वहाँ की लाइव तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सरेंडर करने के लिए बेंगलुरु जाकर शशिकला अभी सरेंडर करेंगी, मुझे ये खबर मिल रही है। आज सरेंडर कर सकती है शशिकला नटराजन, क्योंकि कल जो फैसला आया था 6 मिनट में कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें 4 साल की सजा शशिकला नटराजन को दी गई थी। और अब खबर ये है कि बेंगलुरु जाकर शशिकला सरेंडर करेंगी, वो अपने घर से निकली हैं। कल ही उन्होंने अपने समर्थकों को कह दिया था कि अब रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल खबर यह है कि बेंगलुरु जाकर शशिकला कभी भी सरेंडर कर सकती है, वो अपने घर से निकल चुकी हैं। कल कोर्ट ने बकायदा फैसला सुना दिया था और ये कहा था कि डिसअप्रोप्रिएट असेट के चलते, यानी आय से अधिक संपत्ति रखने के चलते शशिकला को सजा दी जाती है। 4 साल तक सलाखों के पीछे शशिकला को रहना होगा। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बकायदा अर्जी दी, स्वास्थ्य कारण दिया, लेकिन किसी तरह की कोई रियायत शशिकला को नहीं मिली और अब सरेंडर करने के लिए अपने घर से शशिकला नटराजन निकल चुकी हैं। बेंगलुरु के लिए रवाना होने से पहले जय ललिता उनकी सबसे करीबी मित्र के समाधि पर पहुंची शशिकला नटराजन। जा सकती है, माफ कीजिएगा, मुझे ये जानकारी मिल रही है कि वो बेंगलुरु रवाना होने से पहले समाधि पर जा सकती है जय ललिता के। इस बीच उनके लिए एक और चैलेंज जय ललिता की भतीजी की तरफ से खड़ा हो गया, जिसमें दीपा ने बकायदा ये कहा कि शशिकला नटराजन गलत तरीके से पार्टी को कब्जा चुकी हैं और मैं पनीर सेल्वम के साथ अपने पॉलिटिकल डेब्यू की शुरुआत करती हूं, उसका ऐलान उन्होंने किया। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि सरेंडर करने के लिए अपने घर से निकल चुकी हैं शशिकला नटराजन। आज ही बेंगलुरु में सरेंडर करेंगी शशिकला। प्रसाद भोसेकर चेन्नई से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रसाद, क्या जानकारी मिल रही है, अब ये क्लियर है कि वो सरेंडर करेंगी, और क्या उससे पहले वो जय ललिता की समाधि पर जाएंगी? बिल्कुल, सरेंडर करना उनके लिए अनिवार्य है और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कहा, इमीडिएटली तत्काल आपको सरेंडर करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो है अभी ये समाचार मिल रहा है कि बेंगलोर से पहले शायद वो शशिकला जयललिता के मेमोरियल पर जाएंगी, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और फिर वहाँ से बेंगलोर के लिए रवाना होगी। याद रखिए, जो शाम तक उनको वहाँ पर पहुँचना है और उनके वकीलों ने कहा है कोर्ट से कि अरेस्ट वारंट मत इशू कीजिए, वो किसी भी हाल में सरेंडर हो जाएगी। तो अभी पूरे तामझाम के साथ जिस प्रकार से जयललिता बाहर निकलती थी अपने कन्वॉय में, आप देख सकते हैं कि जो उनके ऊपर लाइट्स, जो टिपिकल जयललिता की खुद की व्हीकल थी, उसी में वो निकली है और कुछ ही देर में जय मेमोरियल से होते हुए शाम तक उनको, शाम के अंदर कोर्ट खत्म होने से पहले उनको बेंगलोर पहुंचना है और वहां पर अपने आप को सरेंडर करना है। तो अभी क्या खबर है, क्योंकि इससे पहले जानकारी ये भी मिल रही थी कि वो विधायकों से बात कर सकती है, आगे की रणनीति पहले ही डिसाइड कर सकती है और उसके बाद आगे वो बढ़ेंगी, क्योंकि 2 फैसले तो वो पहले ही ले चुकी है अपने 2 करीबियों को एंट्री दिलवा के, जिनको जय ललिता ने कभी निकाला था पार्टी से। रूबिका, अब उसके लिए वक्त नहीं है। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑब्जर्वेशन था कि जल्द से जल्द आपको सरेंडर करना है, उसके बाद शशिकला के पास वक्त नहीं बचता है, फिर से गोल्डन बे रिसोर्ट जाए, फिर से MLAs को बात करें, और उसके लिए ही उन्होंने जो अपने भतीजे हैं TVB दिनकरन, उनको अपॉइंट किया है डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, ताकि पार्टी की कमान खुद के हाथ में रहे और यहाँ पर जो भी हो रहा है उनको जो है फर्स्ट हैंड अकाउंट उनको मिल जाए। तो अभी शशिकला को बेंगलोर जाना ही होगा और जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा,
वरना फिर अगर कुछ भी देरी होती है तो उनके खिलाफ अरेंट वारंट इशू हो सकता है और फिर उनको अरेस्ट किया जा सकता है, जो कि एक और भी झटका हो सकता है उनके लिए। और अभी क्या स्थिति, आपको क्या जानकारी मिल रही है? कि देखिए, अभी कुछ ही देर पहले वो निकली है और ये जो जानकारी है कि शायद वो मेमोरियल जा सकती है और वहाँ से अपने ही कन्वॉय में सीधे बेंगलोर के लिए पहुँच सकती है। चेन्नई से बेंगलोर का रास्ता कम से कम 5 घंटे का है, लगभग 300 किलोमीटर का है, तो उनका जो कैवलकेड है, कन्वॉय है, वो जाएगा, ऐसा हमको समाचार मिल रहा है। क्योंकि बाई एयर थोड़ा सा मुश्किल है, बेंगलोर में एयरो शो चल रहा है तो कई सारे फ्लाइट्स जो है डाइवर्ट कर दिए गए या फिर जो है उनको रिशेड्यूल किया गया है। तो जो जानकारी हमको इस वक्त है वो ये है कि वो रोड के मार्ग से ही बेंगलोर जाएंगी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि प्रसाद 10 साल के लिए वो कोई राजनीतिक पद नहीं रख सकती है। अगर वो जेल जाती हैं तो उनको 4 साल जेल में रहना होगा, 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। और उनका अब ये कहना कि मुझे पार्टी से कोई अलग नहीं कर सकता है, मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, ये बयान तो अलग तरफ है, लेकिन अब AIADMK का होगा क्या? तमिलनाडु का ये राजनीतिक पिक्चर रूबिका अभी खत्म नहीं हुआ है, इसमें और भी एक्शन, और भी ड्रामा, और भी इमोशन हमको देखने को मिलेंगे। और ये टिपिकल तमिलनाडु पॉलिटिक्स है जो मैं पिछले 15 साल से कवर कर रहा हूँ। कोई भी जो व्यक्ति लीडर है, चाहे वो जयललिता हो या फिर करुणानिधि हो, अपने हाथ से कमान छूटने नहीं देते और यही कोशिश शशिकला कर रही है। लेकिन उसमें फ़र्क है, शशिकला चिन्नम्मा ज़रूर कही जाती है लेकिन अम्मा अभी वो नहीं बन सकती, और अम्मा बनने की उन्होंने भरपूर कोशिश की थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है। उसी के वजह से जो उनके भतीजे हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई पार्टी का उनको निकाला गया था, उन्हीं को वो अभी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बना रही है, और जो 100 से ज़्यादा MLAs उनको सपोर्ट कर रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम बहुत कुछ देख सकते हैं तमिलनाडु में। जैसे ही शशिकला तमिलनाडु की बॉर्डर पार करेंगी तब और एक यहाँ पे नया ड्रामा शुरू होगा। पनीरसेल्वम अपनी जो पहल है वो शुरू करेंगे, और जो MLAs यहाँ पर है गोल्डन बे रिसोर्ट में, उनको संपर्क करने की कोशिश करेंगे और उनको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पड़नीस्वामी, जो कि ऑलरेडी अभी लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर चुने गए हैं, वो भी चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री का पोस्ट काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होता है। तो पड़नीस्वामी भी कल से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि जितने MLAs हैं उन्हीं के साथ रहे और जब ट्रस्ट वोट होगा उन्हीं को वोट दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रही हूँ, लेकिन अब ये इस वक्त की बड़ी खबर है, लगातार इस पर कवरेज जी न्यूज का जारी रहने वाला है। खबर ये है कि बेंगलुरु के लिए बाय रोड शशिकला निकल पड़ी है, क्योंकि वहां उन्हें सरेंडर करना है। कोर्ट ने कह दिया सरेंडर मतलब सरेंडर, अब इसमें किसी तरह की कोई देरी नहीं होनी चाहिए।